हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जिस फाइटर प्लेन को भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है, उस फाइटर प्लेन ने अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत पूरी दुनिया को दिखा दिया है और यह एहसास करा दिया है कि उस फाइटर प्लेन का अभी कोई मुकाबला नहीं है। बात यह है कि पिछले महीने भूमध्य सागर में, जिसको कि मेडिटेरेनियन सी भी बोला जाता है, तुर्की के लड़ाकू जहाज़ों ने फ्रांस के सर्वेलेंस निगरानी जहाज़ों को रोक करके घेराबंदी कर दी थी, और वो भी उस समय जबकि फ्रांस का जहाज़ तंजानिया के कार्गो जहाज़ की जांच करने जा रहा था। लेकिन फ्रांस के जहाज़ की तुर्की की घेराबंदी की वजह से तंजानिया का जहाज़ बिना जांच के ही लीबिया की ओर निकल गया और बच गया, और यही कारण था कि जिसकी वजह से तुर्की की इस हरकत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी थी, और जिसके बाद से तुर्की और फ्रांस के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ गया था। और फिर फ्रांस ने अपनी धमकी से आगे बढ़ते हुए तुर्की के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी और तुर्की के एयरबेस पर हमला करके तुर्की के एयरबेस को तबाह कर दिया है। और इस हमले में फ्रांस ने राफेल फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया। दरअसल फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों ने लीबिया में मौजूद तुर्की के अल्बाटिया एयरबेस पर जोरदार हमला बोला और तुर्की के पूरे एयरबेस को ही तबाह कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि लीबिया के अंदर तुर्की के जिस सैन्य अड्डे को राफेल लड़ाकू जहाज़ों ने तबाह किया है, वहां पर तुर्की का अत्याधुनिक रडार के साथ साथ KF-16 फाइटर प्लेन भी मौजूद था, लेकिन तुर्की के विमान राफेल लड़ाकू विमानों को न पकड़ ही पाए और न ही KF-16 तुर्की के लड़ाकू विमान राफेल का सामना कर पाया। राफेल फाइटर प्लेन के सामने तुर्की की सारी ताकत धरी की धरी रह गई। अल जजीरा के हिसाब से लीबिया के अल्बाटिया एयरबेस पर तुर्की के ड्रोन और अत्याधुनिक फाइटर प्लेन मौजूद थे, जो कि फ्रांस के राफेल हमले में पूरी तरह से तबाह हो गए। अब ऐसे में न केवल फ्रांस ने तुर्की से न सिर्फ बदला लिया है, बल्कि पूरी दुनिया को राफेल की ताकत का अंदाज का एहसास भी करवा दिया है। दरअसल लीबिया के अंदर तुर्की की मौजूदगी पर फ्रांस ने पहले ही कई बार चेतावनी दे दी थी, लेकिन तुर्की हर बार फ्रांस की चेतावनी को नज़रअंदाज करता रहा। और उसके बाद तुर्की ने फ्रांस के सर्वेलेंस शिप को, जो कि भूमध्य सागर में था, उसको रोक करके सीधे सीधे फ्रांस को चुनौती दी थी। लेकिन अब फ्रांस ने तुर्की के एयरबेस को तबाह करके यह क्लियर संदेश दिया है कि अगर तुर्की फ्रांस को और ज़्यादा उकसाएगा तो फ्रांस इससे भी ज़्यादा गहरा कदम उठा सकता है और तुर्की को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो यह खबर भारत को काफ़ी राहत देगा, क्योंकि राफेल ने न सिर्फ तुर्की के एयरबेस को तबाह किया है, बल्कि अपनी ताकत का एहसास भी करवाया है और यह बताया है कि राफेल का कोई मुकाबला नहीं है। और यही राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस से भारत को मिलने वाला है, जिससे कि भारत की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा होगा, और जिसके बाद चीन और पाकिस्तान हजार बार सोचेंगे भारत की तरफ आंख उठाने से भी पहले। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को मैं एंड करूंगा एक बहुत ही अच्छे कोट से, और कोट है, मैं अपने देश और समाज की शांति के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। सो फ्रेंड, इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।